लेट आए तुम क्यों? ऑफिस से जल्दी आया तू, 2:30 बजे तू लेट गया। सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है मनोहर और क्या गजब। इतना जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? गवर्नमेंट जॉब आ तो कभी भी आ सकते गवर्नमेंट जॉब है। ओ सो यू वर्क फॉर अदानीज? नाइस, क्या काम करते हो? कस्टम में भाई, मेरा जैकेट और जूता यूएसएफ खा गए लोग यार। मेरे को नंबर दे के जा, हाँ एंड में यश इसका नंबर लेने का है, मेरा जूता और जैकेट आया है। तुझे मजाक लग रहा है? तुमको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ स्टेज पे खड़े रहकर? हंसो मत यार, पर्सनली बात कर रहे हो, हंसो मत, बात करने दो इससे। तो क्या काम है तुम्हारा वहाँ पे, क्या काम है, रोल क्या है? इम्पोर्ट दुबई से बिस्किट विस्किट आ रहा है, बिस्किट है ना, सब होता है ना। बस बस नंबर ले। नाइस। और भाई आप ये डकार लिया तूने? क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तू समझेगा कैसा? नाम ही होगा ना ऑब्वियसली। ये मन दे क्या? कहाँ पे रहते हो आप? हाँ सायन। और अब नाम बताओ। जिशान। क्या करते हो? ये तुम लोग हंसो मत यार। मार्केटिंग जॉब वॉब करते हो? हाँ। कहाँ पे? बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो अभी तुम भी ऑफिस से लेट आए? नहीं मैं ऑफिस नहीं यार, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम है। तुम क्या सोच रहे हो फारूक की कितनी मेहनत लगी है? और भाई आप नाम ही ना ऑब्वियसली। संकेत। और काम क्या करते हो? ओह देखा, ये होता है काम। कौन सी बैंक के लिए? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक? डॉयशे। ओहो नाइस। पूरा नाम क्या? डॉयशेन गबाना। डॉयशे बैंक का ये बीकेसी में है तुम्हारा भी ऑफिस? गोरेगांव में। और आप? दीक्षा। क्या करती हो? फैमिली बिजनेस। किस चीज़ का? कंस्ट्रक्शन का। किस मतलब क्या बनाते बनाते क्या हो तुम लोग? मतलब बहुत पैसे वाली हो तुम? तू क्लाइंट को लेके घूम रहा है? ये सुबह वहाँ जॉब पे जा रहा है और ये तो बिल्डिंगें बना रही है। कैसे मिला ये? कोचिंग क्या, किस चीज़ की कोचिंग ले रहे थे? MBA की। बढ़िया। और तू पटा लिया? तो दोस्त है। तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उम्मीद है। तू दोस्त नहीं है, तू उम्मीद है। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। था? बहुत पहले। मैदान साफ है। और भैया आप? प्रभव। मतलब क्या होता है इसका सबको जानना है? प्रभव का मतलब तो हाँ। ओहो गजल नाइट में आपका स्वागत है। अभी आप भी एक मुहावरा सुनाओ। और आपका नाम? ऋषभ। इसका मतलब क्या होता है अति बिंदु से? जेल जा चुका दो बार, एक बार। हाँ विघ्नेश भाई क्या है ये? ये सब श्लोक सुना रहे हो क्या मेरे को? धर्मेश कैसे हो आप? क्या नाम तेरा? भूमिक। हाँ भाई सब ऐसे ही आए। बढ़िया। क्या करते हो तुम? आप कहाँ पे? ये क्या है? बैग में क्या है? टिफिन रह कर ले। इस देश में क्या मुसलमानों के बैग चेक हो गए क्या? कोई बात सेंस ऑफ ह्यूमर।
लैपटॉप है, टिफिन का है ये टिफिन। मैं एक बार जू पे जा रहा था ना, कार में था, पुलिस वाले ने रोका और वो पता है नाम पूछते, वो तो इसमें खाना लेके जाता है, ओ रोटी और सब्जी ऑर्डर, सब्जी भी है, क्या है सब्जी, अरे वो तुमको भूख लगी थी ना, बैंगन का भरता, ठीक है हाँ, तो ये बैग, ये खाना ऊपर रखो, बैग नीचे रखो, और खाना कब खाओगे तो फिर नहीं अभी अभी क्या अभी क्या अभी खाना सबके सामने खाएगा, लोग तुझे बैंगन का भरता खाते हुए देखना चाहते हैं। हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? रिद्धिमा। आप? अभिषेक। क्या करते हो आप दोनों? मैं नहीं, आप दोनों एक साथ क्या करते हो? मुझे नहीं जानना तुम लोग अलग अलग क्या करते हो, साथ में क्या कर रहे हो, तो मजा है। क्यों? आई मीन एक मिनट, मैं रिद्धिमा को लेके पजेसिव नहीं हो रहा, मैं खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों पहली बार मिल रहे हो आज? तो आज आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं मैडम। और ये रिद्धिमा ने भी हाँ बोल दी कि पहली बार मिल रही हूँ, सामने बैठ के तेरे से बात नहीं करनी, हाथ हाथ रख। नाइस नाइस, फर्स्ट मीटिंग है और बात नहीं कर रहा आपस में, बेस्ट प्लेस। नाइस नाइस, हाय रिद्धिमा। तेरे से आता तो इससे बात मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच रिद्धिमा के लिए एक कॉकटेल। नाइस नाइस ब्रो, आज तेरे को रिटर्न में जोक सुनाने पड़ेंगे इसको। देख रहा हूँ अब इसको क्या टॉप कर रहा है, मुनव्वर फारूकी को टॉप कर रहा है। नहीं ब्रो कर लेगा, अच्छा दिखता है यार, हाँ बोल देना अगर प्रपोज किया तो, मतलब ऐसी हाँ मत बोल देना, दिखा शक्ल, हंस के दिखा, दो तीन बार नस काटे तो बोल। नाइस नाइस, आइए। तेरे को धूप आ रही थी तो तूने ये किया, या अंधेरे में खड़े रहकर ये किया? सही है। किसके साथ हो? दोस्त है तुम्हारे ऑलरेडी? कहाँ है तुम दोनों? अच्छा तुम लोग सीट ढूंढ रहे थे, सीट ऐसी नहीं मिलती, मुट्ठी उठाने पड़ते। और आपका नाम? आतिफ। तू बैठा ही ऐसे जैसे तू बात करना चाहता है, आगे होके कि कहाँ से आतिफ? कलीना। और आपके साथ कौन है? आतिफ के साथ क्या कर रहे? भाभी अस्सलाम वालेकुम। नाइस नाइस, तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? धर्मेश विघ्नेश ये वो स्कोर हम लोग कर रहे हैं। नाइस नाइस ब्रो, गेम अप करो। नाइस, कब से डेट कर रहे हो? 4 years। नाइस नाइस, और घर वाले राजी है? डाउटफुल है। अबे डाउटफुल नहीं, यकीन रख। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या टेंशन में रहेंगे ना इन लोगों, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तू क्या हंस रहा है, गेम अप कर। गेम अप करके छोड़ दिया। नाइस, सही है। क्या कौन गर्लफ्रेंड थी? कौन, क्या नाम?
अर्शिया मुस्लिम गर्लफ्रेंड सही है यो ब्रो फिर उसने क्यों छोड़ा तुमने 3 दिन तक फोन नहीं उठाया तो उसने छोड़ दिया तो उसने वो 3 बार तलाक समझा क्या सर मुस्लिम लड़का 3 बार बोला खत्म 3 दिन तक फोन नहीं उठाया Clapping and welcome our first act for the day, Munawar Farooqi. Yes. मुफ्त मिला मतलब यार तो मेरे घर पे ना मैं अभी आज सुबह उठा और सब लोग फोन देख रहे मैं शौक हो गया मैं बोला ये क्या है तो मैं भी देखने लगा तो इतने में पुलिस वाला है तो मैं समझ गया वो ये क्राइम पेट्रोल है मैं वही सोचू मैं बोला घर वाले इतने प्रोग्रेसिव कैसा हो गया 2 दिन पहले बहन ने बोला था कि डांस क्लास ज्वाइन करना है तो उसको अभी तक स्टोर रूम में बांध के रखे कैसे आप लोग लेट हो गए नाइस नाइस लेट नहीं हाँ आप इसके पहले जो अभी शो हो रहा था पोएट्री आप पोएट्री परफॉर्म किए मस्त आप तो ऑफेंड होंगे ही नहीं फिर तो कोई जोक से क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेस है लोग सॉरी नाइस नाइस तो अभी थोड़ा और मैं होस्ट कर रहा हूँ ठीक है लाइक ओपन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा लोगों से बात भी करूँगा है ना बीच बीच में थोड़ा जोक वोक सुना ठीक है भाई हाय हेलो क्या नाम आपका निखिल आप कल भी आए थे क्या शो पे ओ तेरा नाम किसी और के साथ आई थी बट कल किसी और के साथ आई थी वो कौन था बॉयफ्रेंड था आज बॉयफ्रेंड को पता है कि तू इसके साथ आई है ओ नाइस निखिल दूर रहे इसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम इसको पता है ना भाभी अस्सलाम वालेकुम वही मेरे को इसलिए याद है कि करके कोई लड़की थी आतिफ की गर्लफ्रेंड 4 साल से डेट कर रहे है ना नाइस नाइस ये वापस आ गई शो देखने कल आई यार देख के वापस आई मतलब अभी तुम लोग पे प्रेशर है कि शो तो अच्छा है हम लोग चूतिए समझ नहीं आया पे भी प्रेशर है कि अगर तुम लोग को शो पसंद नहीं आता आप लोग सोचोगे ना क्या चूतिया बार बार आ रही ये देखने 2 बार सही है मस्त मस्त और भाई आपका नाम और मैम आपका नाम रिचा आप दोनों क्या एक दूसरे के दोस्त हस्बैंड वाइफ ओए आप लोग बहुत यंग दिखते हो नाइस नाइस मैम स्टियानो स्टियाना ओके क्या मतलब होता है इसका ओह नाइस इंग्लिश ही मतलब होता है हिंदी में मतलब बताओ ना आपका शब्बीर का मतलब तुम और भाई आप ताहिर आप अकेला है क्यों तुम माइक वाइक लगाया क्या उसकी आवाज कुछ ज्यादा क्लियर नहीं आ रही हाँ आप भी अकेले आई हो क्या आप भी अकेले आई हो चार लोगों ने डिच किया तुम चाहती क्या थी उन लोगों के साथ तुमने मांगा क्या था ओ अच्छे दोस्त बनाओ अच्छे दोस्त बनाओ नाइस नाइस और आप कभी शादी हुई आप लोगों की 8 साल पहले शादी हुई तुम्हारा बालिका वधू वाला सीन है क्या हाँ अरे भाई ये तो लड़का लड़की लग रहे हैं 8 साल से शादी हो गई तुम लोगों की तुम सच बोल रहे हो तो चूतिया बना रहे
कि इसको ही पागल कर दो, जोक क्या लंड बनाएगा। नाइस यार, बहुत मस्त, बहुत मस्त। कैसे लव मैरिज? तुम्हारी एज पूछो चलेगा? क्या एज? 31, 8 साल पहले, 22, 23 साल में शादी, लव मैरिज। उससे पहले लव भी चला होगा? कितने दिन? 9 स्टैंडर्ड स्कूल टाइम का प्यार। तुम लोग ये सब कर रहे थे? और आपकी एज इनके जैसी सेम है? ओ नाइस यार, ऐसे ये लव स्टोरी के लिए तालियां यार। पंद्रह सोलह साल से एक साथ हो एक दूसरे के, और पकड़े नहीं गए एक भी बार। नाइस यार। नहीं नहीं, एक दूसरे पे चीट करते हो, नहीं पकड़े गए। भाई साहब, सेंस ऑफ ह्यूमर। नाइस नाइस। ओ यार बहुत सही है ये लव स्टोरी। और लोग आए ना अभी? कुछ कौन है? हाथ ऊपर कर। हाँ, आप लोग को लेट कैसे हुआ? ट्रैफिक। कहाँ से आए आप? अंधेरी से यहाँ आए? अच्छा, वो कुछ ऐसे पहले से प्लान नहीं था शो? तो कैसे अचानक कैसे डिसाइड किया कि बड़ी उदास हो रही है जिंदगी? थोड़ा ट्रैफिक में सड़ के हंसा जाए। हो मैम को एक कॉकटेल और एक पेन नंबर देने के लिए। तू बाथरूम में मेरे को मिला ना? मैं बाथरूम में था और ये पीछे से आके बोलता भाई 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 भाई। सही में यार बाथरूम में आके भाई 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 सेल्फी ले लू? मैं बोला रुक जा लेके। नाइस नाइस। तो ब्रो क्या क्या सोच के तू ऐसा हो गया? और मेरे को बोला हक कर लू? पसंद हो यार? पसंद हो? नहीं यार, थैंक यू, सो स्वीट ब्रो, सो स्वीट। कोई भी कहीं पे भी मिलो मुझसे मांग लो सेल्फी, मैं कहीं पे भी रहूँ। हाँ नहीं नहीं, शो के बाद मैं भी चले आऊँगा। अरे तो लाइन ही मार देनी तुम्हारे, सीधा सीधा परफॉर्म करने दो ना। शो के बाद मैं शायद चले जाऊँ, पर शायद रुकूँ तो शो के बाद ले सकते, ठीक है? डोंट वरी, हाँ कोई स्ट्रेस नहीं। मैम आपका नाम? हाँ निशा, आप किसके साथ आए? कौन है ये? ओ नाइस, लड़की के साथ देखी कॉमेडी शो देखने को भी मनोहर पारिकी का। हाय, क्या नाम आपका? कुंजन। आप मॉम को साथ लेके आई? क्यों ऐसी? मॉम अकेले जाने नहीं देती क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना? कल आए थे आप? डे बिफोर यस्टरडे मैं था। वो तो आप वापिस आ गए, देख रहे हो प्रेशर आप लोग पे ही है। ये तो अब तो ये माँ को लेके आ गई साथ में। हाँ नहीं, उस दिन मैंने वो सेक्स वाले जोक नहीं मारे थे, आज मार रहा हूँ आंटी। ये लौंडे खुश हो रहे। ये तुम चारों साथ में हो ना? तो तुम तीनों साथ में, तो तू तो एकदम उसकी गोद में बैठा है तू मेरे को। हाँ क्या नाम तेरा? अर्षित। तेरा? मानव। तेरा क्या करते तुम तीनों? हाँ बिल्डिंग में रहते हो? अबे एक दूसरे के साथ क्या करते हो नहीं पूछा? सही है सही है। अरे बिल्डिंग से याद है, मेरा एक दोस्त है ओवेस, ठीक है, हम लोग की बिल्डिंग में ही रहते, उसकी गर्लफ्रेंड भी हमारी बिल्डिंग में ही रहती। उसका दोस्त एक मुस्तफा, ओवेस मुस्तफा बेस्ट फ्रेंड। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसको घोस्ट करती है ना, जैसे रिप्लाई अप्लाई नहीं करती, ये वो, तो परेशान हो गया, क्या करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो मुस्तफ़ा ने किसको आइडिया दिया कि ब्रो टूथपेस्ट ले, झाग बना मुँह में और गर्लफ्रेंड को वीडियो बना के भेज दो, दौड़ती हुई आएगी। तो बाइक पे बैठे और पूरा बम्बई घूम रहे जगह ढूंढने के लिए कि कहाँ बना है ये वीडियो।
कहीं जगह नहीं मिली तो वापस बिल्डिंग के नीचे ही आए, पार्किंग में वो सो गया और फेस निकाल के बोले बना वीडियो, बोले मुंह तो दिखा, उल्टा क्यों सो रहा है, उल्टा सो रहा है, बोले भाई मैं ऐसा गिरा या ऐसा गिरा, बोले तू सो जा मैं वीडियो बना दूँ। उसने वीडियो बनाया, वीडियो बना के लड़की को भेजा, लड़की परेशान हो गई, उसने देखा कि अपनी ये तो अपनी बिल्डिंग की पार्किंग है, पार्किंग में कोई आता जाता भी नहीं है, तो के नीचे आई, बोले ओवेस क्या हो गया तेरे, खोल के मुस्तफा बोले मैंने इसके मुंह में कोलगेट डाला है जहर के वास्ते। उसके लिए लड़की ने मान ली। ये बिल्डिंग से मेरे को याद है बकचोद जो। रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को फ्री में शो देखने आने का। मैं जब सोलो शो करूँ ना तब आना, अच्छे अच्छे जोक सुनाओ। ये सब तो ऐसी ये ऐसे छूते बच्चे लोग को देख के याद आ। तो मैं ऐसे ही जू जा रहा था, ठीक है, मैं कार में जू जा रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है। तो मेरे को नाकाबंदी में पुलिस ने रोका और मेरे को बोलते हैं वो जो वो रहते हैं ना ऐसा, उसमें शराब पिया रहे हुए तो पता चल जाता है, तो वो हाँ लोअर लड़कियों को बड़ा पता है। तो उसने वो ऐसे दिया, अब मेरे को पता नहीं, मैं नाकाबंदी में पकड़े नहीं गया, स्टेज पे यस नाकाबंदी में। तो उसने ऐसे रखा, मैं सब बाहर निकाला मुंह और बोला मुनव्वर फारूकी, बोले ये चूतिया सुनता नहीं है, ये उसको फूक मारना रहता ऐसा, और वो हो गया, वो पिया हुआ था। बोले तूने पिया है, मैं बोला आपने फूक मारा, बोले बाहर निकल। तब मेरी गर्लफ्रेंड भी बैठी है, एक्स गर्लफ्रेंड पेन। तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, तो पहले तो मैंने पूछा कि सर ऐसे मत करो, मैं शराब वराब पीता ही नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बोले तू मुसलमान है, अब तो डिक्की चेक करो, डिक्की चेक करो। मेरे को बोले बाहर निकल, मैं बाहर निकला। तो अब मेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड है, वो बोल रही है कि वो सर ऐसे क्या कर रहे हो, मैं भी मुस्लिम हूँ। बोले वो गोल्डन बाल देख के समझ गया। ये सब ऐसे बकचोद रफ जो क्या, तुम लोग ऐसा सीरियस नहीं लेंगे। हाँ मतलब सीरियस क्यों ही लोगे। नाइस। तो अभी और बात करते लोगों से। भाई तेरा नाम, तेरे टी शर्ट पे क्या लिखा है, किल देम, बीजेपी मर्चेंडाइजिंग। क्या लिखा है पढ़ना, Kill them with your success. Oh, मेरा merchandise. Nice, nice. और तेरा भाई तेरे साथ कौन है, तू क्या नाम तेरा, सोहम, क्या करते हो तुम दोनों आज साथ में, नहीं अलग अलग पढ़ाई, सेकेंड ईयर कौन सी कॉलेज। ओह यहाँ से ये दो लड़कियों का ओ निकला है, और तो बैग में गांजा तो रह गई, एक ही पैकेट है। नाइस है, अबे वो पार्ले जी है, ऐसे झंडी करते हैं लोग यार, ये बॉस गांजा वाले एक परसेंट तो उमर इसका नहीं होगा। नहीं चश्मा पहन के आदमी जब बोले गांजा मारूंगा कैसा लगता, अबे धुंध पड़ जाएगी, बंदा ब्लर हो जाएगा। नाइस नहीं। और भाई आप क्या नाम आपका, समर, और आपका विंटर। सॉरी भाई आपका नाम बता दो, ताहिर, समर ताहिर, दोस्तों भाइयों, तुमने गले में क्या बांधा है, मांस है मतलब वो कपड़ा वाला, तुम लोग डूड लोग एकदम, मतलब मैं तुम्हारी बाइक गैस कर सकता हूँ, लोग बाइक पे है। हा?
बाइक पे है, मैं गैस करूँ, यूनिकॉर्न या तो बुलेट, कौन सी है? अपाचे? ओह फुल मवाली, मतलब थोड़ा मेरे को लगा था कि यार मैं जा रहा था पल्सर पे, मैं पल्सर पे जा ही रहा था, मैं बोला नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी, खुद ही बोला भाई बेइज्जत अपाचे। अभी वो बोल लेगा कुरला रहता हूँ, मजा ही आ जाएगा। भाई कहाँ रहते हो? हाँ पाली, ओ नाइस, मतलब मालिक का घर उधर है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई, लव यू, ऐसे ही मैं मजाक करता हूँ, ठीक है, मैं को उठा के लेके आते शो से यार। तो फ्रेंड्स ये थे मुनव्वर फारूकी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन है यार। तो इनके लाइव शोज होते हैं काफ़ी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियल कॉमेडियन है, एक बार जेल भी जा चुके हैं, पर यह है कि बहुत अच्छे कॉमेडियन है। अभी इन्होंने कुछ एक साल पहले जो शो भी जीता था, जो लोकअप शो आता था, वो उसके विनर भी थे, वो जीते थे, बहुत से लोग तभी से जानते हैं इनके ऊपर। मैं इनके पहले से वीडियो देखता था काफ़ी पहले से। इस मुनव्वर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है यार। तो एक कॉमेडियन के लिए ये चीज़ होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, देखो ये कोई इन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई थी कि आपको जोक सुना रहे, सिर्फ ये क्राउड वर्क था। क्राउड वर्क में भी इतनी कॉमेडी, मतलब स्पॉन्टेनियस जोक करना बहुत बड़ी बात होती है, एकदम से जोक बनाना। और मुनव्वर जो है ये मल्टी टैलेंटेड है, ये शायर भी है, राइटर है, और रैपर है, कॉमेडियन है, कितने ज़्यादा सारे टैलेंट हैं इनके अंदर। मुनव्वर फारूकी यार जब के बंदा है यार, इनकी एक रैप की लाइन भी है, मल्टी टैलेंटेड में मल्टी वेज, ये इनकी एक रैप की लाइन भी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत टैलेंटेड बंदा है मुनव्वर फारूकी, और बहुत इनके अमेजिंग शोज होते हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, और भी आगे इनकी वीडियो देख लेना आप। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।